हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज का दिन है सैटरडे, और यहाँ पर मैं आटा लगा दे रही हूँ और साथ में मैंने गैस पर चाय भी चढ़ाई है अपने लिए, और साइड के गैस पर कुकर में आलू उबल रहे हैं। मुझे आलू के पराठे बनाने हैं आज, तो फिर आलू उबल रहे हैं, आटा लग गया है और अभी यहाँ पर चाय भी बन गई है मेरी। तो अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी, और जब तक मैं पोछा लगाती हूँ ना, तब तक आटा भी रेस्ट हो जाएगा मेरा, आलू भी उबल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चाय पीकर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। खुशी झाड़ू लगा रही है और मैं सोच रही हूँ फिर कि झाड़ू के साथ साथ ही ना मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर थोड़ा भी लेट हो जाता है ना पोछे में, तो फिर एकदम घर में कचरा आ जाता है, तो फिर पोछे में ना प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो मतलब बहुत ज़्यादा कचरा अटकता है पोछे में, तो जैसे ही झाड़ू लगती है ना, तो वैसे ही पोछा लगाते हैं, तभी अच्छे से पोछा लगता है। और वैसे भी ना धूल इतनी आने लगी है ना घर में, परेशान हो गई हूँ धूल से मैं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 4-5 दिन तो घर में नहीं थी ना, तो सारी धूल इकट्ठा हो गई है इसलिए इतनी निकल रही है, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि फिर ये तो सर्दियाँ लग गई है, सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा धूल आती है घर में। घर का ना एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा पोछा लगाना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें साफ़ रखनी पड़ती है, हर चीज़ पर धूल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पराठे बन गए हैं मेरे। पराठे का शूट मैंने नहीं लिया क्योंकि ऋषभ ने मुझे लेने नहीं दिया, मोबाइल लेकर भाग गया था वो, तो फिर रह गया लेने का। तो फिर पराठे बन गए यहाँ पर, और यहाँ पे 2 रोटियाँ बना ली मैंने। ऋषभ के डैडी आते हैं ना दोपहर में, तो वो पराठे वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा की रहने दी थी। तो पराठे बनाने के बाद ना सभी ने खाना खा लिया था, बच्चों ने, मैंने साथ में ही खाना खा लिया था, और फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ किया मैंने, और फिर अभी ना सब्जियाँ लेकर बैठ गई हूँ। अभी 12 बज गए हैं दोपहर के। सब्जियाँ ना करड़ी की सब्जी है, पालक की सब्जी है और हरा धनिया है, तो सभी को ना एक ही साथ में साफ़ करके रख देती हूँ, तो सब्जियों का सारा कचरा जो है ना एक ही साथ निकल जाएगा ना, तो फिर एक ही साथ ना फिर साफ़ हो जाएगा सब कुछ, तो बार बार फिर मुझे कचरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर में। और वैसे भी ना हरी सब्जियों में से ज़्यादा कचरा निकलता है, जो नॉर्मल सब्जी होती है ना उसमें उतना नहीं निकलता है जितना हरी सब्जियों में निकलता है, आधी सब्जी होती है और आधा तो कचरा ही निकल जाता है। तो अभी ना दोनों सब्जियाँ साफ़ हो गई है मेरी, पालक की सब्जी साफ़ हो गई है और करड़ी की सब्जी साफ़ हो गई है, और अभी ना मैं हरा धनिया साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं ऋषभ को बोल रही हूँ कि मुझे पेपर वगैरह ला के दे, डब्बा ला के दे प्लास्टिक का, तो ना छोटे छोटे काम मेरे सुन रहा है। बच्चों को ना ऐसे ही इन्वॉल्व करती हूँ मैं कामों में, फिर क्या होता है ना बच्चों को फिर आदत लग जाती है मेरे काम सुनने की, नहीं तो अगर मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चों को काम बोलूँगी ना, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मतलब उनको ना ऐसे लगता है कि हमसे काम करवा रहे हैं, मतलब हमसे जैसे कि ना हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं बहुत बड़ा, उनसे काम करवा के ऐसा जताने लगते हैं बच्चे हमें। तो चलिए, सब्जियों का काम हो गया है मेरा, और मैंने जो हरा धनिया रखा है ना, तो उसके नीचे भी मैंने पेपर रखा है और उसके ऊपर भी मैंने पेपर रखा है। पेपर रखने से ना हरा धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, 10-15 दिन तो आराम से एकदम हरा रहेगा, और पेपर से ना क्या होता है उसका मॉइस्चर जितना भी होता है ना सारा पेपर खींच लेता है, तो उसकी वजह से धनिया अच्छा रहता है। और यहाँ पर देखिए दोपहर के 3:30 बज गए हैं, अभी ना आदर्श को चाय पीनी है, उसको ना ऐसा ही होता है, उसको कभी भी चाय पीने का मन होता है उसका, तो उसको मैं अभी चाय बना के दे रही हूँ। मेरा अभी चाय पीने का मन नहीं है, और खुशी भी सोई हुई है, तो फिर खुशी जब उठेंगी ना तब मेरा और खुशी का मैं चाय रख लूँगी। और ये जो रैक है ना, तो ऋषभ ने खेलने के लिए निकाली थी, उसके लिए ना हर चीज़ ना खेलने की ही होती है, खिलौने से उतना नहीं खेलता है वो जितना चीज़ों से खेलता है। तो अभी उसका खेलना हो गया था, तो मैंने वापस रैक को उसकी जगह पर रख दिया। मैंने ना रैक को अभी तो रख दिया है, लेकिन ना वापस भी आ सकता है, और वापस से आके बोलने लगा कि मम्मी मुझे फिर से रैक खेलनी है। अभी ना जब तक छुट्टी है ना उसका ऐसा ही चलने वाला है, कुछ ना कुछ फैलाते ही रहता है वो। और यहाँ पर क्या है ना, उसको उसके साथ ना खेलने के लिए छोटे बच्चे नहीं है उसके बराबरी के, तो जो भी खेलता है घर में ही खेलता है वो, और सामने ना रोड है तो फिर मैं रोड पर भी जाने नहीं देती हूँ उसको। देखिए मैंने यहाँ पर आदर्श की चाय छान कर तो रखी है, लेकिन अभी वो हाथ मुँह धो रहा है, तो हाथ मुँह धोने के बाद चाय लेने के लिए आएगा। और यहाँ पर ना ओवन पर जो ट्रे रखा है ना जिसमें मसाले के डब्बे हैं, तो साथ के साथ मैंने उसको भी साफ़ कर लिया, तो वो वाला पोर्शन भी साफ़ हो गया मेरा। और यहाँ पर ना साथ के साथ मैंने आटा भी लगा दिया। खाना तो वैसे अभी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी, लेकिन आटा लगा देती हूँ, मेरे मुझे ना ये आदत भी है, थोड़ा सा टाइम मिलता है ना शाम में भी ऐसे चाय बनाते टाइम या कुछ भी होता है ना, तो फटाफट आटा लगा देती हूँ मैं। तो आटा लगाने के बाद ना काउंटर भी साफ़ कर लिया मैंने, और बाहर जाके कपड़े लेकर आती हूँ, जो सूख गए होंगे ना तो वो लेकर आऊँगी, और जो सूखे नहीं हैं उनको ऐसे रहने दूंगी, उनको तो सीधा फिर मैं कल सुबह लाऊंगी, क्योंकि अंदर भी लाके ना फैलाने ही पड़ रहे हैं कपड़े, ज़्यादा कपड़े तो नहीं रखने पड़ते हैं बाहर, वही अपने जींस की पैंट वगैरह होते हैं ना, थोड़े मोटे कपड़े होते हैं वही रखने पड़ते हैं, बाकी सारे सूख रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, मुझे ना झाड़ू अपने हाथों से लगानी थी इस वजह से लगा रही हूँ। खुशी तो वैसे भी सोई है, और क्या हो रहा है ना जब से छुट्टियाँ लगी ना खुशी दोनों टाइम की झाड़ू लगा रही है, और मुझे तो ना अपने घर के काम जब तक मैं अपने हाथों से नहीं कर लेती ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने हाथों से झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन ना टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी खुशी सोई भी थी तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ। मुझे ना ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि अपने हाथों से मैं काम करूँगी ना तो ही काम अच्छे होंगे, मुझे ना दो चार दिन में हर काम ना अपने हाथों से चाहिए। बर्तन भी कभी लगता है ना मुझे कोई कि ख़राब हो गया है तो मैं अपने हाथों से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े का भी ऐसा ही है,
और ना यहाँ देखिए आदर्श और ऋषभ ना कितना अच्छे से खेल रहे हैं। जब तक आदर्श घर में होता है ना तो मुझे आदर्श ऋषभ की ना बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। जब आदर्श घर में होता है ना तो ऋषभ को ना किसी और की जरूरत भी नहीं होती है, उसी के साथ ना बहुत देर तक खेलता रहता है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शाम के 6:30 बज गए हैं और यहाँ पर मैंने दोनों सब्जियाँ बना ली है। जो साइड के गैस पर है ना भिंडी की है, मसाला भिंडी बनाई है, और ये वाली गैस पर मैंने इसकी सब्जी बनाई है गवार की। ये भिंडी खाते नहीं है तो इनके लिए गवार की बना दी। और ये वाली भिंडी की सब्जी जो है ना इतनी सिंपल है ना बनाना, और इतनी अच्छी लगती है, इतने कम मसालों के साथ में भी इतनी अच्छी सब्जी लगती है। नहीं है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है ना, इसको बारीक कट नहीं करना पड़ता है। कट करने का ना इतना आलस आता है मुझे भिंडी को। और भिंडी की सब्जी भी ऐसी है ना तीनों बच्चों को पसंद आती है तो मुझे उसको कट करना ही पड़ता है। और जो मैंने मसाले भिंडी बनाई है ना तो ये वाली बच्चों को बहुत पसंद आई है। ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, 4-5 साल पहले बनाई थी, तब से मैं जब भूल गई थी, ऐसा कुछ हो जाता है ना बनाना छोड़ देते हैं कोई चीज़, तो ऐसे ही हो गया था, बहुत दिनों से बनाई नहीं थी। तो आज अचानक दिमाग में आ गया ना तो फिर बना ली मैंने, तो बहुत बच्चों ने पसंद से खाई। तो अभी मेरी गवार की सब्जी बन गई है तो ये वाला गैस खाली हो गया है, तो इस पर मैं रोटियां बना ले रही हूँ। और भिंडी की सब्जी को तो टाइम लगेगा अभी, उसको ना ढकना नहीं होता है, खुली कढ़ाई में पकने देना होता है उसको। ढकती हूँ ना तो फिर वो लिस लिसी चिपचिपी बन जाएगी, तो खुली कढ़ाई में पकने दूंगी उसको। और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, भिंडी की सब्जी देख कर ना खुशी और ऋषभ दोनों भी ना भिंडी की सब्जी बनने का वेट कर रहे हैं, दोनों को भूख लग गई है। तो मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ और यहाँ पर भिंडी की सब्जी भी बन गई है मेरी। नमक ना एकदम लास्ट में डालना होता है, हमेशा भिंडी बनाते हैं ना तो नमक को लास्ट में डालना पड़ता है, रीज़न वही है, चिपचिपी बन जाती है भिंडी नमक पहले डाल देते हैं तो। और जब तक मैं रोटियां बना रही थी ना यहाँ पर, तब तक फिर ऋषभ के डैडी भी आ गए, तो फिर ना मैंने सभी को साथ में ही खाना लगा दिया। मतलब मैं बनाती जा रही थी और सभी को परोसते जा रही थी, तो साथ के साथ मेरा खाना बनाना भी हो गया और साथ के साथ सभी का खाना भी हो गया। और जब ना बनाने के साथ ही सबका खाना हो जाता है ना तो उसमें से एक बात अच्छी निकलती है, रोटियां बचती नहीं है ज़्यादा। मतलब ना अंदाज़ा आ जाता है ना कि कौन कितनी रोटी खा रहा है या कितनी खा रहे हैं, तो ज़्यादा बनती नहीं है रोटियां और ज़्यादा बचती नहीं है, तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना मैंने सभी के लिए प्लेट लगा दी थी, आदर्श खुशी और ये तीनों का खाना चल रहा है बाहर। और अभी ना ऋषभ और मैं खाना बाकी है, क्योंकि ऋषभ तो मेरे हाथों से खाएगा, तो फिर अभी मैं बना रही हूँ तो रुक रहा है थोड़ा सा वो। मैं और ऋषभ फिर साथ में खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड आज के व्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।